अब तो आप सबको यकीन हो गया और इस वक्त आपके हालात बहुत पतले हैं। खैर पतले तो 77 ईयर से हैं, अच्छे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। मुल्क हमेशा नाजक मोड़ पे इसे गुजर रहा है, वो मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या गल पाकिस्तान क्या बात है, गोल सर्कल में है, नाजक से नाजक मोड़ आते जा रहे हैं। 77 ईयर मैंने तो सीधी सड़क पे पाकिस्तान देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा इसको के हालात क्या है। मुझे कल परसों किसी ने पूछा, एक टीवी चैनल पे किसी ने मुझे कहा, उसने कहा जी आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करना पसंद करेंगे। मैंने कहा ये देखो हजूर बड़ी मुश्किल से भाग कर आया था मैं, मुझसे नफरत है तुम्हें तो यही गोली मार दो, वहां क्यों मारोगे। इन्होंने यानी अचीव क्या किया हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करके, मुझे ये समझा दो। पाकिस्तान का डाउनफॉल एंटी हिंदू एंटी इंडियन दुश्मनी है। अब वहां से ये बात सही है, मैं जब लास्ट ईयर गया था तो मुझे खास एक टॉप क्लास बंदे ने बुला के तो ओवर कॉफी कहा कि ये मैसेज हमारी तरफ से आप पाकिस्तान को दे दें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वी आर एन इंडिया पैसिफिक नेशन, वी आर नॉट इंडो पाक एनी मोर, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब वो तो मैंने मैसेज अपना अलबत्ता प्रॉमिस जो किया था अपनी वीडियोस में बार बार मैंने वो कह भी दिया है कि भाई ये मैसेज है उधर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते और कुछ भारतीय हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं तरार साहब की। तरार साहब से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा मैं यही रहना पसंद करूंगा लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आपने मेरे पास नंबर है, 14,000 फौजी आपने इकट्ठे करके, 14,000 की आर्मी इकट्ठी करके इस्लामाबाद को लॉकडाउन करके आपने एक शो किया है, मान ली बात। बुरी तरह से सर, बुरी तरह से लॉकडाउन किया था। अब मुझे ये बताएं कि वो तो हो गया ना, वो तो हो गया, अब आगे फिर दोबारा युद्ध होने वाला है, इसका क्या करेंगे? इसका आपके पास इलाज, आपके पास कोई इसका हल मौजूद नहीं, कोई हल मौजूद नहीं। अब इसमें देखा जाए आरजू, तो मैं मेरी तो यही ख्वाहिश होती है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए, ये दौर अब जंगों का पत्थरों का नहीं है। लेकिन जब 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस कंट्री, 3 करोड़ तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ जो है वो भिखारी है, वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं। मैंने आपके शायद शो में मैंने कराची लाहौर इस्लामाबाद के नंबर्स भी दिए थे कि इनके पर डे की इनकम क्या, और दूसरे दुबई और सऊदी अरेबिया दूसरे ममालिक में जाके खराब। इसके बारे में ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, आप काले जादू की तरफ जा रहे हैं। जब तक उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जिन्होंने ये कौम के साथ एक भद्दा मजाक किया है, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक करप्शन को रोककर मुल्क के साथ बेवफाई करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी ये मुल्क नहीं बच पाएगा। और इस वक्त आपके हालात बहुत पतले हैं। खैर पतले तो 77 ईयर से हैं, अच्छे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। मुल्क हमेशा नाजक मोड़ पे इसे गुजर रहा है, वो मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या गल पाकिस्तान क्या बात है, गोल सर्कल में है, नाजक से नाजक मोड़ आते जा रहे हैं। 77 ईयर मैंने तो सीधी सड़क पे पाकिस्तान देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा इसको के हालात क्या है। मुझे कल परसों किसी ने पूछा, एक टीवी चैनल पे किसी ने मुझे कहा, उसने कहा जी आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करना पसंद करेंगे। मैंने कहा ये देखो हजूर बड़ी मुश्किल से भाग कर आया था मैं, मुझसे नफरत है तुम्हें तो यही गोली मार दो, वहां क्यों मारोगे। तो वहां तो देखे, वहां पे तो मैंने कहा हर बंदा भागने के लिए तैयार है जो चला रहे हैं, खुद के बच्चे सबके लंदन बैठे, मुझे कह रहे हो वो भी वैसे ही है, यहाँ कौन रहेगा, कोई भी नहीं रहता। आपके तो सीएसएस अफसर जो है वो रहना पसंद नहीं करते, बच्चे छोड़ जाते हैं जब पढ़ने आते हैं बाहर, उनको लंदन और सारा सेटल कर जाते हैं। तो मुझे आप मशवरा करो जाके वहां पे। मेरी एक और आर्गुमेंट है पॉलिटिकल, हिंदुस्तान ने अपनी आजादी 40-50 साल की स्ट्रगल, जेलें, डंडे खाना, काला पानी जाना, उसके हवाले से इन्होंने हासिल की है, तो इनको अपनी आजादी के लिए जो उसकी है ना वो वैल्यू वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को तो जाते जाते अंग्रेजों ने नवाज दिया इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम उनके साथी हो गए, कांग्रेस उनके साथी नहीं बने। खैर ये अब पुरानी बातें हैं, मैं कई दफा कर चुका हूं। पाकिस्तान गया बन, इंडिया सोशलिज्म बिल्ड करता रहा, लेकिन उस दौरान में वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिकन ने पाकिस्तान को फाइनेंस किया कि आप अपनी लाइट इंडस्ट्री से शुरू करें, हैवी इंडस्ट्री नहीं उन्होंने इनकरेज की, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारे से
वो जहाज भी लो, ये भी लो, सारा कुछ लो, हम देंगे जरूर, लेकिन अपनी कंडीशंस पे। लेकिन इंडिया ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए अपनी हैवी इंडस्ट्री पे टाइम लगाया, और उसका फ्रूट जो है वो फिर इंडियन जो है ना, जब इकोनॉमी खुली है तो वो कम्पीट करने के काबिल थे, बिकॉज इनके पास अपनी टेक्नोलॉजिकल बेस थी, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, आईटी के ये अपना, ये सारी चीजें एक के साथ मिलती गई। ये भी मानना चाहिए कि हिंदुओं के अंदर वो वाली एग्रेशन नहीं है जो मुसलमानों में बिल्कुल आपको नजर आ जाती है। मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं इसका जनाजे पे नहीं जाऊंगा, ये वो, ये मैंने किसी और को करते नहीं देखा। और मैंने तो बल्कि जो मैं बड़ा हो रहा था तो लोग कई चीजें कर लेते थे, रिश्तेदार उनके एमडी भी थे तो सुन्नी भी थे, शादियां भी, ये मतलब अब यू कांट इवन थिंक ऑफ दिस। तो हमने तो ज्यादा अपना डायरेक्शन जो है वो क्या कहते हैं, एक रुजत पसंद यानी रिएक्शनरी और बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी की तरफ बना लिया है, तो इसकी सजा फिर हमें मिल रही है। बात तो सही है। सही। तो डॉक्टर साहब, इसमें ये भी जो बात हुई, देखिए अभी देखिए भारत ने कितने कंट्रीज अपना जब बजट बनाया और बजट उन्होंने अनाउंस किया, तो वो साउथ एशिया के सब कंट्रीज को उन्होंने करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपया बजट में रखा है। तो पाकिस्तान को तो पैसे की कितनी जरूरत है। अगर पाकिस्तान के रिलेशंस भी होते तो मतलब ये जो है ये इसी तरीके से पाकिस्तान को भी हेल्प आउट करता है इंडिया। बात सुने, मेरा एक मिनट, जब एक दफा फ्लड्स आए थे, मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने $20 मिलियन ऑफर किए थे एज हेल्प, पाकिस्तान रिफ्यूज टू टेक इट। इंडिया ने, हाँ यस, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस 90s में दे दिया था, वी नेवर रिटर्न्ड इट। तो अगर अब देखो ना, इमरान खान व्हेन प्राइम मिनिस्टर, बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेज के वी विल ओपन ट्रेड विद इंडिया, कश्मीर के इशू को हम इशू नंबर वन नहीं बनाएंगे। इमरान खान गोज ओवर रूल्स दैट, उसको तो खाना मिलता है, सारा कुछ मिलता है, दवाइयां इंडिया से आनी बंद हो गई, किताबें जो बड़ी सस्ती इंजीनियरिंग की, ये मेडिसिन की आती थी वो बंद हो गई। और इन्होंने यानी अचीव क्या किया हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करके, मुझे ये समझा दो। पाकिस्तान का डाउनफॉल एंटी हिंदू एंटी इंडियन दुश्मनी है। अब वहां से, ये बात सही है, मैं जब लास्ट ईयर गया था तो मुझे खास एक टॉप क्लास बंदे ने बुला के तो ओवर कॉफी कहा कि ये मैसेज हमारी तरफ से आप पाकिस्तान को दे दें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वी आर एन इंडिया पैसिफिक नेशन, वी आर नॉट इंडो पाक एनी मोर, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब वो तो, मैंने मैसेज अपना अलबत्ता प्रॉमिस जो किया था अपनी वीडियोस में बार बार मैंने वो कह भी दिया है कि भी ये मैसेज है उधर से। तो पाकिस्तान अब देखे ना, ये बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुतल्लिक क्या कह दिया था, डू यू रिमेम्बर, लेट्स नॉट रिपीट इट। तुम किस किस्म के फॉरेन मिनिस्टर हो कि तुम अपनी डिप्लोमेटिक जुबान ही नहीं बोलना जानते, भूख नंग का हाल है। और सिंध के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया अपने हारियों के लिए और गरीबों के लिए, तो मैं तो पाकिस्तान का फेलियर एक टोटल समझता हूँ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। लगातार पाकिस्तान में क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान 77 ईयर्स से, जिस तरह से तरार साहब कह रहे थे, कि लगातार एक ही सर्कल में घूम रहा है, और सच भी है कि जहां से शुरू किया था वहीं पर आके फिर से खत्म हो गया, फिर से वही दौड़ शुरू हो जाती है और फिर वही कटोरा आईएमएफ के पास पहुंच जाता है। आज के डेट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिलीफ देना बंद कर दिया है, सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज काफी मात्रा में पाकिस्तान को रिलीफ दिया करती थी, और कई कंट्रीज कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट भी किया करती थी। लेकिन आज आपने देखा एससीओ मीटिंग में हुआ क्या, जहां पर खुद शाहबाज शरीफ ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, और कश्मीर का नाम ना लेने से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम में एक गुस्सा सा है कि शाहबाज शरीफ ने नाम क्यों नहीं लिया। हालांकि जयशंकर साहब ने सीधा दो टूक में उनको बता दिया था कि भैया जब तक आतंकवाद रहेगा तुमसे ट्रेड नहीं होगा, फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो जाए, रिलेशन बेटर हो जाए। अब रिलेशन कैसे बेटर होंगे,
अगर आप किसी के साथ रिलेशन बेटर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा चाहिए। पाकिस्तान तो उस लायक भी नहीं है। आए दिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं जहां पर लगातार झड़पें दिख रही है, और कल की ही एक न्यूज आ रही थी जहां पर ईरानियन फोर्सेस ने अफगान बॉर्डर पे लगभग 260 लोगों को मार दिया था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर घुस रहे आतंकी थे और पाकिस्तान में अभी ये एक बड़ा कांड करने वाले थे। दरअसल ये पूरा एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ईरान को ठोकने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल हमेशा से ही दूसरे देशों के फायदे के लिए किया गया है। आपने देखा, अमेरिका आया, इससे पहले रशिया आया, तो लगातार हर किसी से ये पैसे लेते रहे और अपने मसौदे पूरे करते रहे। जिस भी ब्यूरोक्रेट का नाम लीजिए, इवन जिस तरह तरार साहब कह रहे थे कि कोई भी सीएसएस एक छोटा सा अधिकारी भी अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान से निकालकर वो दुनिया के देशों में अलग अलग स्कूल्स में डाल रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े कॉलेजेस में उनका एडमिशन करा रहे हैं, वहां पर उनको सेटल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पाकिस्तान में पले बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की जनता को वो पीस रहे हैं। पाकिस्तान की जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो सब पीस रही है। और ये सब हुआ क्यों है? भारत के खिलाफ जो इनका नफरती एजेंडा था, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरती एजेंडा था, कश्मीर को लेकर इन्होंने काफी बहस छेड़ी है और इसी का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है कि उनको आज भीख भी नसीब नहीं हो रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान के साथ भारत को ट्रेड करना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।